हम लोग परदेश में बैठे हैं, अपने देश का पता नहीं है, और परदेश को लोग अपना देश मान ले हैं। अपने देश का पता लगाओ। संत सदा सोई परमानिक, जो निज घर की सुधि पाए। ये पंचग्रंथी में श्री रामराज साहब ने कहा, संत सदा सोई परमानिक, जो निज घर की सुधि पाए। वही संत हैं और वही प्रामाणिक हैं जिन्होंने अपने घर की सुधि पाई हो। देवरी में हमने घर बना लिया और समझ लिया कि अब घर बन गया, अस्थाई घर। देवरी लाक्षणिक, देवरी हो चाहे इलाहाबाद, सबका अर्थ एक। इस संदर्भ में मुझे याद आती है, मैं इलाहाबाद में था, मेरे 3 दिन के कार्यक्रम शहर में थे। प्रतिदिन शाम को गाड़ी लेकर के वे लोग आते थे, हम लोग चले जाते थे, सत्संग प्रवचन के बाद चले आते थे आश्रम। दूसरे दिन की बात है, एक सज्जन आए, मैं गाड़ी पर बैठा, वो खुद ड्राइव कर रहे थे। कहे महाराज, ये बड़ा अच्छा हुआ, आपका अस्थाई आश्रम बन गया। मैंने कहा, मेरा अस्थाई आश्रम है कहाँ? मेरा अस्थाई आश्रम है नहीं। तो समझ नहीं पाए, फिर कुछ समझाया तब उनको थोड़ा थोड़ा ख्याल हुआ। स्थिर आश्रम कहाँ है? स्थिर धाम, अखंड धाम, जिस धाम से कभी अलग नहीं होना पड़ता है, वह धाम सतलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, गोलोक, जनलोक, तपलोक। सतलोक सबसे ऊपर कहा जाता है वैदिक अनुसार भी। ओम भूर्व ओम भूर ओम भव ओम स्व ओम जना ओम तपा ओम सत्यम, सत्यम के बाद नहीं कहते हैं। उपनिषद में ऐसा भी कहा गया है कि उसका नाम सत्य है। इसलिए निर्गुणी धारा के प्रवर्तक सदगुरु कबीर साहब के पंथ में सत्य सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। सतनाम, जिसका नाम सत है वो कौन है? सुसत्ता, वही ब्रह्म है, वही महान है। और उसमें जो स्थित हो गए वो गुरु है। एक गुरु है जो दीक्षा देता है और एक गुरु है जो सत में स्थित हो गया है। सत में स्थित हो गया है वो भी दीक्षा दे सकता है, वो भी दीक्षा दे सकता है। जो सत में तो स्थित नहीं हुआ है उसकी चर्चा करता है। कुछ सद्गुणों का प्रयोग करता है और अच्छे आचार विचार से चलता है और दीक्षा देता है, वो भी गुरु है। सत सर्वमान्य है। ब्रह्मलोक ब्रह्मवादी मानते हैं, शैवलोक शिवलोक मानते हैं, राम उपासक वैष्णव साकेत लोक कहते हैं और कृष्ण उपासक गोलोक कहते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग भी कहते हैं कुछ अपना अपना। निर्गुणी धारा के संत सतलोक कहते हैं। ये सब कहीं नहीं है, आत्मा ही सत है, आत्मा ही ब्रह्मलोक है। जो आत्मा को समझ के और आत्मा में स्थित हो गया, आत्मा राम हो गया, वो ब्रह्मलोक को पा गया, शिवलोक को पा गया, सतलोक को पा गया, गोलोक को पा गया। ये सारे लोग कल्पना है, नाम है, महिमा है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क ने समझाया है, तस्यायम आत्मायम लोक, उस ज्ञानी का आत्मा ही लोक है। एतमेव, इसलिए लोक मविप्सन्तः,
उस आत्मलोक को प्राप्त करने के लिए प्रवाजन प्रवजन्ति। घर छोड़ करके आदमी बेघर हो जाता है, घर लेके क्या करेंगे, बाल बच्चे लेके क्या करेंगे, ये तो छूट जाएंगे। हमें ब्रह्मलोक चाहिए। ब्रह्मलोक आत्मलोक है, ब्रह्म अलग है और आत्मा अलग है, ये वेद की धारणा नहीं है। वेद वेदांत जिसे कहते हैं वो ब्रह्म और जीव को अलग अलग नहीं मानता। कबीर साहब जिसका ये मंच है, खुला है उनका, आप जानते हैं, कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढ है बनवा है, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है, हृदय वसे ते राम न जाना, नर नारायण रूप है तू जनी समझे दे। सत्ता को हम तीन हिस्से में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष। ये आंखों से और इंद्रियों से जो जानने में आता है वो प्रत्यक्ष है, और जो मन की कल्पना से हमारी अवधारणा बनती है वो परोक्ष है। और जब इंद्रियां और मन ये दोनों शांत हो जाते हैं तब अपरोक्ष दशा होती है। अपरोक्ष का मतलब स्वयं प्रत्यक्ष, अपने आप। आंख नाक कान जीभ चांद, इससे जितना विस्तार जाना जाए ये प्रत्यक्ष है, इसी में सारा संसार डूबा है। और ये क्षण क्षण बदलता है। यहाँ पके बाल वाले ध्यान दें, उनका बचपना कहाँ गया, उनकी जवानी कहाँ गई, उनकी प्रौढ़ावस्था कहाँ गई, उस समय के मिलने जुलने वाले लोग कहाँ गए, उस समय के पदार्थ कहाँ गए, परिस्थितियाँ कहाँ गई, उस समय की वार्ताएँ कहाँ गई, हर्ष की वार्ता मिली, शोक की वार्ता मिली, मेरा सत्कार हुआ, मेरा तिरस्कार हुआ, वो कहाँ है, सब भागा जा रहा है। पानी की बुलबुले की तरह, मृग मरीचिका की तरह, जेठ की धूप की लहरियों में पानी का भ्रम होता है। जेठ के दोपहर में धूप की लहरियाँ चलती हैं तो दूर से लगता है पानी बह रहा है, और पानी वहाँ एक बूंद नहीं। इसी प्रकार ये सारा संसार जो हमें दिखाई देता है सब अनात्म है, ये आत्मा नहीं है, अपना नहीं है, और सब क्षण क्षण बदलता है, और इसी में सुख भ्रम करके जीव भटकता है। सुख का ख्याल होता है, सुख आ रहा है, सुख आ रहा है। जवान लोगों को ज़्यादा भ्रम होता है सुख आ रहा है, बूढ़े लोग तो समझ गए कि सुख मिला नहीं, अब क्या मिलेगा। जवान लोग भ्रम में रहते हैं सुख आ रहा है, लेकिन भ्रम में ही जिंदगी कट जाती, सुख कहीं मिलता नहीं। सुख नाम की वस्तु दुनिया में कहीं है ही नहीं। लोहा है, पत्थर है, सोना है, हीरा है, मिट्टी है, कोयला है, चूना है, तेल है, पेट्रोल है, पानी है, बहुत नाम कहाँ तक लिया जाए, आप जानते हैं सब संसार में ये सब है। लेकिन सुख नाम की वस्तु कहीं है ये आज तक पता नहीं है। धनी मानी लोग बड़ी बड़ी दुकानों पर दिल्ली जैसे नगरों में जा कर के सेठों से पूछें, एक तोला सुख दे दो 10 लाख रुपए ले लो, एक तोला केवल सुख दे दो। सुख नाम की वस्तु कहीं है ही नहीं। भ्रम इतना बड़ा है सुख का कि सब आदमी इसी से पतित हैं, सुख के पीछे पतित हैं। सुख के लिए हत्या की जाती है, विरोधी की हत्या की जाती है, सुख के लिए व्यभिचार किया जाता है, सुख के लिए शराब पिया जाता है, सुख के लिए गुटखा खाया जाता है, तम्बाकू खाया जाता है, पान खाया जाता है, सुख के लिए इंद्रियों को उत्तेजित किया जाता है, अपनी शक्ति को नष्ट किया जाता है, सुख के लिए लड़ाई झगड़ा किया जाता है, ईर्ष्या द्वेष किया जाता है, छल कपट किया जाता है,
सुख के लिए सारा प्रपंच किया जाता है, परिणाम होता है दुख बढ़ता है, सुख नहीं आता है। जीवन भर आदमी दुख बटोरता है। जो दुराचारी हैं वो तो दुखी रहेंगे, लेकिन जो दुराचारी नहीं हैं वे भी बहुत सुखी नहीं रहते हैं। सदाचारी हैं, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, दूसरे छीनते नहीं, पर स्त्री पर कुदृष्ट नहीं करते हैं, पर पुरुष पर कुदृष्ट नहीं करते हैं। अपने तन मन धन से कुछ बन सकता है, दूसरे की सेवा कर देते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। ऐसे लोग भी शोक मुक्त नहीं होते हैं, चिंता मुक्त नहीं होते हैं। सामान्य सदाचार होने से जो ज़्यादा दुख की बात थी वो नहीं रहती उनकी जीवन में, लेकिन उनका चित्त निर्द्वंद हो, शांत हो, तृप्त हो, संतुष्ट हो, ऐसा नहीं। क्योंकि सदाचारी होते हुए भी इंद्रियों के भोगों में उलझे हैं, तुतु मैमे में उलझे हैं, हानि लाभ के मोह माया में उलझे हैं, और जीवन भर हम जो कुछ करते हैं उनसे संस्कारों का कांटा इकट्ठा होता। फूल तो कम, कांटे इकट्ठे होते हैं। जितना संबंध होता है, संबंध में मोह होता है, बैर होता है, कलह होता है, विवाद होता है। समताशील संतोष की बात कहीं कहीं रेखा मात्र होती है। इसलिए जो दुराचारी नहीं हैं वे भी परम संतुष्ट नहीं होते हैं। जो मोक्ष धाम है, अपना घर है, उसमें पहुंचने के लिए सामान्य सदाचार से काम नहीं चलेगा, और ऊपर उठना पड़ेगा। सदाचार तो चाहिए, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। वो तो भौंकी है, भूमि पर वो चीज है, बुनियादी है। जो पर स्त्री गमन करेगा, पर पुरुष रत होगी स्त्री, जो दूसरे का हक मारेगा, जो दूसरे को सताएगा, जो दूसरे को तकलीफ देना चाहेगा, वो तो धुआंधार में है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है वो भी उस घर में नहीं पहुंच सकता है, और कुछ करना होगा। अपने को समझना होगा आप कौन हैं, और जिसमें लिपटे हैं उसको समझना होगा यह क्या है। अध्ययन के केवल दो विषय हैं, स्व और पर। स्वनाम खुद, परनाम दूसरा। स्व खुद, स्व कौन है? शुद्ध चेतना, आत्मा, आपका अस्तित्व। स्व खुद, सेल्फ, आप स्वयं। और पर क्या है? जो आप देखते हैं, जानते हैं, आँख नाक कान जीभ चाम से जो आप जानते हैं वो पर है। और आप जानने वाले स्वयं स्व है, खुद है। खुद स्व पर में उलझा है, आत्मा दुनिया की वस्तुओं में उलझा है। दुनिया की वस्तुओं में न उलझना ये उसकी साधना है। खाना, लेकिन खाने में आसक्ति न रखना, गलत चीज न खाना, नशा की कोई चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस अंडा मछली कभी नहीं खाना चाहिए, उत्तेजक पदार्थ नहीं खाना चाहिए, जल्दी पचने वाला भोजन, सात्विक सादा सुपाच्य संतुलित खाना चाहिए, और उसमें भी मोह नहीं करना चाहिए। खाना एक दवाई है। स्वाद के चक्कर में पड़ करके मनुष्य ने सारा रोग इकट्ठा किया है। अन्य जानवर इतने रोगी नहीं होते जितना मनुष्य रोगी होता है, क्योंकि मनुष्य में ही छौंक बघार है, मनुष्य में ही मिर्च मसाले हैं, मनुष्य में ही तेज तलक है, इसलिए ज़्यादा बीमार है। जानवरों में गर्भाधान के लिए नर मादा का संयोग प्रायः होता है, कुछ जानवर छोड़कर, बाकी अधिकतम जानवर में नर मादा का संयोग गर्भाधान के लिए होता है। अब आदमी की दशा दयनीय है, गर्भवती स्त्री के भी पीछे पुरुष लगा रहता है, इतना निकृष्ट।
किस लिए है? स्त्री पुरुष का संयोग गर्भाधान के लिए। गर्भाधान के अलावा तो बिल्कुल अपने को नष्ट करना है। आदमी अपने को जितना गिराया है किसी ने नहीं गिराया है, कोई प्राणी इतना गिरा नहीं जितना आदमी गिरा है। व्यवहार को शुद्ध करना होगा, अपने को संभालना होगा। कौन ध्यान देता है अपने को संभालने के लिए? बह रहा है आदमी, बह रहा है, अनियंत्रित बह रहा है। जो मन में आए मुंह में डाल लेता है। दुकान पर पहुंचा, एक बीड़ा पान लिया, चूना चाट लिया, थोड़ा सा मसाला उसमें झाड़ लिया, ऊपर से एक सिगरेट खोस लिया। होश ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं सब? अब उन सब से क्या फायदा है? नुकसान के सिवा एकदम बदहवासी हो। सब पढ़े लिखे लोग हैं, शराब पीने वाले। आदमी अपने को निरंतर उलझाता है और चाहता है सुख हो। सुख क्या है? सुलझा हुआ मन, मन में उलझन नहीं है यही सुख है, मन में उलझन है यही दुख है। लड्डू खाने सुख होता है, एक लड्डू में सुख है, दूसरे लड्डू में भी सुख रहता है, तीसरे लड्डू में वो सुख नहीं रहता है। अगर आपको जबरदस्ती कोई 10 लड्डू खाने का है तो आप दुखी हो जाओगे। अगर लड्डू में सुख है, जो जितना लड्डू खाते जाओ उतना सुख बढ़ता जाए, लेकिन सुख बढ़ता नहीं, सुख घट जाता है और परेशानी हो जाती है। कोई मेरा मित्र आया, दौड़ करके मैं गले से लग गया, सुख है। अब गले से लगे खड़ा रहे दिन भर तो सुख रहेगा? लोग भी कहेंगे पागल है, दिन भर क्या, 2-3 मिनट भी खड़ा रहे तो लोग कहेंगे क्या हो गया है? गले लगा जाता है बस सेकंडों को, बस छोड़ दिया जाता है। जहां तक हम सुखाभास करते हैं दुनिया में वो भ्रम है। सुलझा हुआ मन सुख है। भूख लगने पर भोजन मिल जाए और तन ढकने के कपड़े और सोने की जगह और मन शांत हो, इससे बड़ा वैभव दुनिया में है? लेकिन इस पर किसका ध्यान है? सामने किसी ने पक्का महल बनवा लिया, हमारा खपड़े का है, इससे संताप है। किसी की मोटरसाइकिल आ गई, मेरे पास अभी साइकिल ही है, ये तकलीफ है। अपनी साइकिल का हमें आनंद नहीं है, दूसरे की मोटरसाइकिल का दुख है। तुलना में हम जलते। पैसा है किसी की मोटरसाइकिल लिया, अच्छा हुआ, जल्दी पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर। हमारे पास नहीं पैसे हैं, साइकिल काफ़ी है। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, मैं ऐसे चलता हूँ। आप लोग गाड़ी भेज देते उससे आ जाता हूँ, बस पर बैठ लेता हूँ, ट्रेन पर बैठ लेता हूँ, पैदल भी खूब चल लेता हूँ। अभी भी 10-15 किलोमीटर चलना पड़े कोई हर्ज नहीं। शरीर कमज़ोर होगा धीरे धीरे, बूढ़ा तो है ही है, तब तैसा हो जाएगा। अप्राप्त वस्तु की आशा, प्राप्त वस्तु की तृष्णा चित्त को जलाती है। ये सब समझने की चीज है और इसका निदान करने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत, सुधारने की जरूरत है। सुख तो केवल चाहते हैं, केवल सुख, केवल सुख, दुख न रहे केवल सुख रहे। उसके लिए बड़ा सरल उपाय है। पैसा इसके लिए नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, और ऊंचा खानदान जिसे कहते उसमें जन्मने की जरूरत नहीं है। बस यथार्थ सदगुरु की शरण चाहिए। जो सदगुरु बोधवान हो और अपनी रहनी में हो, ऐसे सदगुरु की शरण चाहिए, आधार चाहिए, और उससे सीख करके अपने जीवन को बदलना चाहिए। बस यही चाहिए। इसके लिए पैसा उसकी जरूरत नहीं। पैसा वैसा की जरूरत शरीर के लिए है, पैसा, मकान, जमीन, गाड़ी घोड़ा, अन्न पानी, कपड़े लत्ते, ये सब शरीर के लिए ज़रूरी है। और उसके लिए थोड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदमी उसी के राग ठाट में और उसी की कल्पना में पूरी ज़िंदगी बिता देता है। ऐश्वर्य और उसका श्रृंगार करते करते
जितना बन सकता है जिसके पास जैसा है उसी में दिमाग घुमा करता है और जिंदगी खत्म हो जाती है। आत्म सुधार करने की चेष्टा तो रहती ही नहीं है। अपने घर का पता कैसे लगे? अपना घर मिलेगा जब संकल्प शून्य हो जाए, ध्यान में बैठो सारा संकल्प छूट जाए, कुछ न सोचो, तब अपना घर मिलता है। ये उच्चतम साधना है, संकल्प शून्य अवस्था, इसको निर्विकल्प कहते हैं। कोई कल्पना मन में नहीं, कल्पना से द्वैत संसार खड़ा होता है। कल्पना शांत हुई, अद्वैत अकेला रह गया आत्मा। गाढ़ी नींद में हम रहते हैं, द्वैत नहीं रहता वहाँ, आत्मा शांत, महासुख। सुसुप्त में महासुख रहता है। सुसुप्त का अर्थ ही है अपने को पा जाना, स्व अपीत सुसुप्त। स्व और अपीत, ये दो पद मिल करके सुसुप्त शब्द बनता है। स्वनाम खुद, अपीत नाम पाना, खुद को पाना सुसुप्त है। सुसुप्त में हम खुद को प्राप्त होते हैं, इसलिए कोई तकलीफ नहीं रहती। जैसे नींद खुली, हमारी अस्मृति बाहर गई और तकलीफ शुरू हो गई। जो जागते जागते सुसुप्त हो जाता है, अपने मन को समेट के आत्मलीन हो जाता है, वो अपने घर में पहुंच जाता है। अपना घर अपना आत्मा है। मन से हम बाहर भटकते हैं, मन का भटकना बंद हो जाए, बस अपने घर में हो गए। अपना घर कहीं छोटा थोड़े है, चित्त वृत्त बाहर भटकती है, इसलिए हम बहिर्मुख हैं। अपना मन सिमट आया अपने में, अपने घर में पहुंच गए। अब अपने घर में जो पहुंच गया, सतलोक में पहुंच गया, ब्रह्मलोक में पहुंच गया। अपने घर का पता लगाओ, देवियां भी समझें, देवता भी समझें, सबका अपना आत्मा ही परमात्मा है। मन का शांत होना ही अपने परमात्मा के घर में पहुंचना है। अब मन की शांति के विपरीत ही काम किया जाता है, तनिक तनिक बात में लड़ा जाता है, लड़ाई झगड़ा, कलह, द्वई, ईर्ष्या, प्रपंच, परनिंदा, इंद्रियों के भोग, चंचलता। सुबह से शाम तक प्रपंच में मनुष्य का जाता है। अब वो सब की कमाई क्या होती है? खुराफाती संस्कार। सुबह उठे, कटु वचन कहे, तो कटु वचन का संस्कार मन में बना, अब वो कचोट रहा है। खाने पीने में असावधानी किए, और अगर उस असावधानी में भद्दा व्यवहार किए तो भी खटकेगा। खाने पीने की चीज लुलुपता से, चोरी से हमने खाया, साथियों को नहीं खिलाया, छल कपट किया, तो उसका चित्त में विकार आएगा। और जो गलत खाया, ज़्यादा खाया, वो पेट में खराबी आएगी। रुपया पैसे में कहीं चालाकी की, उसका संस्कार बनेगा, वो पीड़ित करेगा। झूठ बोला, धोखा दिया, सुबह से शाम तक मन, वाणी और इंद्रियों से जो हम करते हैं उनके संस्कार बनते हैं। वह संस्कार फूल और कांटे के रूप में होते हैं। अच्छे काम अगर हैं तो फूल बनेंगे, बुरे काम हैं तो कांटे बनेंगे। और इसको कोई टाल नहीं सकता है। कोई भी ईश्वर, परमात्मा, देवता, शैतान, भगवान, कोई टाल नहीं सकता है। आप प्रार्थना कर दो भगवान से, और जो आपसे उल्टा सीधा होता है वो कट जाए, ये संभव नहीं। प्रार्थना न करो, किंतु हरदम सावधानी रखो कि गलत काम न हो, गलत ख्याल दिमाग में न आए, गलत सोच न आए, गलत वाणी न निकले, गलत क्रिया इंद्रियों से न हो, इसका ख्याल रखो। प्रार्थना न करो, ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। अपने को निरंतर शोधना, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी।
सदगुरु कबीर की ये पंक्ति है, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। ऐसी तारी, तारी नाम ध्यान, ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा। कमाओ, कमाई करो, कमाना है, बिना कमाई किए काम न चलेगा, व्यवहार का काम करना है। जो जिस श्रेणी में है, किसान खेती करते हैं, व्यापारी व्यापार करते हैं, कला वाले कला का काम करके धन कमाते हैं, मजदूर मजदूरी करके कमाते हैं, अन्य अन्य लोग अपने अपने विभाग में रह करके मेहनत करके कमाते हैं, तो आर्थिक अर्जन के लिए जो काम जहाँ करते हैं वो करें, लेकिन वो क्यों करते हैं ये सोचना चाहिए। कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कमाना खाना और जीना जानते हैं बस। हाँ, जीना जी करके खुराफात करते हैं, कला कल्पना राग द्वेष लड़ाई झगड़ा विषय वासना इंद्रियों की उत्तेजना अनेक दुर्व्यसन दुर्गुण, जी करके ही कमाई करते हैं। कमाना चाहिए खाने के लिए, खाना चाहिए जीने के लिए, जीना चाहिए जीवन को सुधारने के लिए, सुधारने वाला काम नहीं करते। इसलिए जी करके खुराफात इकट्ठा करते हैं, उल्टा होता है। एक जानवर जीता है वो खुराफात नहीं करता, सहज जीवन जीता है, वो कोई पाप या पुण्य नहीं बनाता है, लेकिन आदमी तो पाप और पुण्य बनाता है। वो चाहे स्वर्ग में चला जाए, चाहे नरक में चला जाए, चाहे मोक्ष में चला जाए, तीनों में से कहीं जा सकता है। तीनों में से कहीं जाना है, नहीं स्वर्ग में जाएगा, मोक्ष में जाएगा, नरक में जाएगा। सत्कर्म करेगा स्वर्ग में जाएगा, दुष्कर्म करेगा नरक में जाएगा, ज्ञान वैराग्य के रास्ते में चलेगा मोक्ष में जाएगा। कर्म भूमिका मानव शरीर है, यहाँ जो कुछ हम सोचते बोलते हैं वो कर्म बनता है, जानवरों में नहीं। ऐसा उत्तम मानव चोला मिला है, और जो काम करना चाहिए वो काम लोग नहीं करते हैं, यहाँ तक कि सामान्य जीवन स्तर को नहीं सुधारते। शराब इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, सब जगह बढ़ी है। छत्तीसगढ़ का नंबर लगता है ज़्यादा है, दो तीन वर्षों से तो और दुकान दुकान दुकान, जहाँ देखो तहाँ शराब की दुकान शराब की दुकान। या मैं देख न पाया हूँ कि पहले वैसा रहा, लेकिन बहुत दुकान चारों तरफ भारत व्यापी है। नशा की चीज़ों का एक एक प्रकार बढ़ता चला जा रहा है, और इसके बनाने वाले बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, व्यापारी राजनेता धर्म नेता सभी वर्ग के लोग में ऐसे हैं जो दुनिया के नाशक हैं और दुनिया के प्रकाशक हैं दोनों। व्यापारी जो सकारात्मक काम करते हैं, रचनात्मक दिशा में वस्तुओं को बना करके लोगों में वितरित करते हो कल्याणकारी, और नशा अनेक प्रकार के भद्दे श्रृंगार और विकार उत्पन्न करने वाले पदार्थों का उत्पादन करके समाज को नष्ट करते हैं। नेता समाज को बौखलाते हैं, हिंदू गैर हिंदू की दीवार खड़ी करते हैं, सवर्ण और अवर्ण बैकवर्ड और फॉरवर्ड अनेक षड्यंत्र करके समाज को बांट करके उठ जाते हैं। गोरे अंग्रेज फूट डाल करके हमारे देश में राज किए, गोरे अंग्रेज अब काले अंग्रेज हैं, वे फूट करके राज करना चाहते हैं। जो वर्गों में विभेद डालते हैं ऐसे नेता देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। हिंदू हिंदू की हमें जरूरत नहीं है, सवर्ण अवर्ण की जरूरत नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है, भारतवासी की सेवा की जरूरत है।
भारत में जितने बसने वाले हैं सब भाई हैं, सबसे प्रेम करें, सब कोई सामूहिक उन्नति की चेष्टा करें, इसमें अपना पराया कौन है। लेकिन राजनेता ऐसे हैं जो इस प्रकार का जहर समाज में घोलते हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो मनुष्यों के ग्रुपों के विषय में, वर्गों के विषय में जहर घोलते हैं, ऐसी संस्थाएं, और ऐसे धार्मिक कहलाने वाले लोग हैं जो चमत्कारी बात फैला करके और अनेक प्रकार के बवंडर रच करके ऊंच नीच की भावना व्याप्त करते हैं। जन्म से कोई ऊंच है, जन्म से कोई नीच है, इस संप्रदाय से मोक्ष है, इस संप्रदाय से मोक्ष नहीं है। संप्रदाय वालों का पागलपन देखो, किसी भी संप्रदाय वालों की गहराई में जाके देखो तो मात्र उन्हीं के संप्रदाय से स्वर्ग या मोक्ष मिलेगा, दूसरे से नहीं मिलेगा। सबकी यह दशा है, बिरले कोई संप्रदाय होगा जो उदार हो, नहीं तो सबकी ही दशा है कि स्वर्ग केवल मेरे पथ में, दूसरे में नहीं, मोक्ष यही मिलेगा। यहाँ तक कि एक संप्रदाय में जो विभिन्न शाखाएं हैं अपनी शाखा को मोक्ष का और स्वर्ग का ठेकेदार मानती हैं, दूसरे को नहीं। ये सब दिमाग खराब करने वाले हैं, धार्मिक कहलाने वाले लोग, राजनेता, व्यापारी, सभी वर्ग में देखो विषाक्त वातावरण पैदा करने वाले, समाज को प्रदूषित करने वाले हैं, और अच्छे लोग भी सकारात्मक राजनीति करने वाले हैं, सकारात्मक धर्म नेता हैं, धार्मिक गुरु हैं, और सकारात्मक व्यापारी भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। संत सदा सोई परमानिक जो निज घर की सुध पाए, अपने घर का पता लगाओ। दिन भर काम करते हो, थक जाते हो, खेत खार में, बाजार में, जगह जगह भटकते भटकते शाम को आए, नहाए धोए खाए पिए, घर में विश्राम किए, शांति मिले, घर न होता, खाने पीने की जगह न होती, और रोज ऐसे काम करते तो पागल हो जाते। घर कितना सुखद है, ये शरीर की थकान दूर करता है घर, जो मिट्टी पत्थर का है। मन का थकान किस घर में दूर होवे? मन की थकान जहाँ दूर होती है वो आत्म शांति है, समाधि है, ध्यान है, आत्मलीनता है, आत्मनिग्रह है, अपने में लौट आना है। मैंने अभी कहा था कि नींद में हम अपने में सिमट आते हैं, और जब मौत होती है तब क्या होता है, बाहर की चीज़ें भूलने लगती हैं, और धीरे धीरे सब भूल गए, बस मौत। अंत में वही दशा आना है। कितना अपने को हम झुठला लें, दुनिया की वस्तुओं को अपना मान लें और अहंकार कर लें, कितना चकर मकर में अहंकारी बन जाए, लेकिन अंत में मौन हो जाना है, शांत हो जाना है। देखो आपके बड़े राजनेता छत्तीसगढ़ के, अभी एक महीना हुआ शरीर छोड़ दिए, श्यामाचरण शुक्ल, उसके पहले राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने शरीर छोड़ा। ये तो ताज़ा घटना है, इसने कह दिया। इनसे बड़े बड़े छोड़ते हैं, सब छोड़ते हैं, कोई रहने वाला है? युद्धपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतो उत्तर कौशला, इत विचिंत मन कुरसु स्थिरम नस्तिदम जगत इत्येव धारे। यद्यपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? हम लोग बिचारे हैं, हमें क्या करना है, कौन यहाँ रहने वाला है? ईंट पत्थर और लोहे का बना सामान, मकान, पुल इत्यादि, यंत्र इत्यादि के विषय में इंजीनियर बता सकता है कि इतने दिन तक यह रुक सकती है चीज, लेकिन सुंदर जवान शरीर को कोई डॉक्टर नहीं कह सकता है कि ये कब तक चलेगा। अचानक ये दीपक बुझता है। ऐसे कमजोर,
ऐसे दुर्बल मकान में हम बैठे हैं पानी की बुलबुले में, जिसका फूटना कभी भी संभव है और निश्चित है। इसमें एक ही चांस है कि अपने घर का पता लगा लो, अपने घर में हो जाओ। शरीर घर नश्वर है, इस शरीर के लिए बना ईंट पत्थर का घर छूटने वाला है। अपना अस्थाई घर, अजर अमर घर आत्म स्थित है, वो बड़ा सरल है। उस घर में पहुंचना बहुत सरल है। अपने मन को मारो, अपने विकारों को मारो, अपने में लौट आओ, आत्म शांति लो। सुख सब जीव को प्रिय है, लेकिन शांति के बिना सुख नहीं मिलता। और शांति तब मिलेगी जब भोगों के लिए लड़ो ना, पद के लिए लड़ो ना, अपनी बड़ाई और चौधराना गाठने के लिए लड़ो ना, ये सब कामनाओं को छोड़ो, अपने को मारो जो अपना अहंकार है। हंता मां सब ही पड़े हंता देखे साध, हंता ते न्यारा है गुरुमुख दृष्टि आबाद। अहंकार में सब पड़े, लेकिन जो अपने अहंकार को देखे वो साध है। ये राम रहस्य साहेब पंचग्रंथी में कहते हैं, हंता मां सब ही पड़े हंता देखे साध। सब अहंकार में पड़े, जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। कोई भी हो, किसी कपड़े में हो, स्त्री हो पुरुष हो, ये साधुओं के कपड़े में हो या गृहस्थों के कपड़े में हो, कोई भी हो, जो अपने अहंकार को देखे और उसे निकाले वो साधु है। हंता मां सब ही पड़े हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरुमुख दृष्टि आबाद। अहंकार को दूर करके रहे, गुरुमुख दृष्टि लेकर के रहे। गुरुमुख मनमुख, मनमुख रास्ता है बाहर की चकर मकर में बच्चों की तरह भटकना। बच्चों को खिलौना मिल जाए, चमकीले कपड़े पहना दो, मिठाई मिल जाए, मगन। इसी प्रकार बाहर की चकर मकर में जो मगन है वो बच्चे की तरह है। बुजुर्ग हुआ है जो अंतर्मुख है, किसी का कुछ रहने वाला नहीं। 100 वर्ष के पहले के लोग देवरी में कहाँ है? अगर कोई होगा तो होगा 100 वर्ष पुराना आदमी, नहीं तो नहीं होगा। 100 वर्ष का मकान गांव में मिलना मुश्किल है। बड़े शहरों में रजवाड़ों के किला को छोड़कर 100 वर्ष का मकान भी मिलना मुश्किल होता है। 200-300 वर्ष का मकान, पक्का मकान चलता है। किला वाला कई 100 वर्ष चलते हैं, अपवाद है कुछ दिन का बस, किला भी अंत में ध्वस्त हो जाता है। राम के जमाने कुछ नहीं मिलता है, कौरव पांडव के जमाने कुछ नहीं मिलता है। तो ये सारी रचना परिवर्तनशील है, बनना और बिगड़ना दृश्य जड़ का स्वभाव है। इसी में उलझ करके आत्मा क्लेश भोगता है और हाथ में अंत में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। पूरे जीवन का फल दुख, अशांत, पीड़ा, उद्वेग, यही सब रहता है। बहुत उपलब्धि, बड़ा मकान बनाया, बड़ी जमीन खरीदी, बड़ा परिवार बना, बाबा का बड़ा मठ बन गया, बहुत चेले हो गए, बाबा जी बहुत पूज्य हो गए, आचार्य नाम हो गया, मंडलेश्वर जगतगुरु हो गए, लेकिन जो अपना घर नहीं पाया, गृहस्थ भी धोखे में है, साधु भी धोखे में, दोनों का धोखा है। गृहस्थों का घर झूठा है तो क्या साधुओं का मठ सच है? गृहस्थों का परिवार झूठा है तो साधुओं का समाज क्या सच है? परिवर्तन तो सबका है, कुछ की शिक्षा तो नहीं रहता है। ये सब व्यवहार है और क्षणिक, देखते देखते लुप्त हो जाता है। अपना काम करो जिसके लिए आए हो, ये मानव जीवन कल्याण की भूमिका है और कहीं कल्याण की भूमिका नहीं है। मानव के अलावा दूसरे जानवर बहुत सरल और बहुत अच्छे हैं। एक कुत्ता को देखो, आवारा कुत्ता,
जो पाला हुआ कुत्ता है उसकी बात छोड़ो, तो खूब खिलाया पिलाया जाता है। गांव में तो आवारी कुत्ते होते हैं, सड़क में धूल में पड़े हैं, आँख मुदे सो रहे हैं, उतना निश्चिंत आप हैं? न कपड़ा है, न बिस्तर है, न तकिया है, न खाने कोई प्रबंध है, न बैंक बैलेंस है, न कुछ संग्रह है, कहीं कुछ पा गए। और देखो सड़क में धूल में आँख मुदे मस्त सोते हैं, राजे महाराजे भी उनसे ईर्ष्या करेंगे, वो सोने के नहीं पाते। जानवर का अभ्यास कैसा है, पेड़ पर जहां से मैं आया हूं, पास के पेड़ पर बगुला आके बैठते थे। शाम को मैं घूम रहा था छत पर, बगुले आके बैठ गए। सुबह जब घूमने गया तो देखा बगुले वैसे बैठे जो जहां बैठे, पतली पतली टहनी उस पर बैठे हैं, रात भर उसी में सो लिए हैं। और हमें लगता है बेचारे परेशान होंगे, परेशान हो नहीं, वो पैर फैला के कहीं सोते हैं, बस बैठे हैं सो लिए, न तकिया न गद्दा न मच्छरदानी जरूरत। अगर पानी बरसे बैठे रहेंगे, पंख से बाहर चला जाएगा, बरसना बंद हो फड़फड़ा देंगे, बस हो गए। कितना सरल जीवन सबका है, आदमी का जीवन बहुत जटिल है, लेकिन इसमें एक ही विशेषता है कि अपने आत्मा का उद्धार कर सकता है। अपने मन और इंद्रियों को और वाणी को संभाल करके, संयत करके शांति पा सकता है, परम शांत परमानंद। वही काम नहीं करता, उत्पात करता है। मन को और खराब करो, वाणी को और खराब करो, इंद्रियों को और खराब करो, जितना बन सके डट करके खराब करने में डटा हुआ है। उल्टा पलटा खाना पीना बोलना चालना करना धरना, उत्पात, कैसे सुखी होगा। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग विदेश में बैठे हैं, सब फॉरेन फॉरेन, विदेश, सब विदेश। जहाँ तक देखो सुनो, गोस्वामी जी भी श्री राम की उपासना में तत्पर हैं, जिनके हाथ बड़े कोमल कोमल हैं, करकंज पद कंजारुणम, हाथ भी कमल के समान है, पैर भी कमल के समान है। श्री राम के हाथ पैर कमल के समान रहे होंगे जब वो जवान रहे होंगे, 30 के बाद ही रुखरे हो गए होंगे, 40 तक तो बहुत रुखे हो गए होंगे, आज तो हैं ही नहीं, कहाँ मिलेंगे। इसलिए गोस्वामी जी भी जो करकंज पद कंजारुणम कहते हैं, वे भी कहते हैं, देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखा सुना जाता है, सोचा जाता है, उसमें मोह बनता, कुछ परमार्थ नहीं। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सम्माया जाने हो भाई, यहां कट जाता है सब, सगुण उपासना बेकार। सगुण उपासना पहले है, मन को स्थिर करने के लिए सगुण उपासना ठीक है। जिस महापुरुष में आपको श्रद्धा हो, उसका आकार अपने मन में ले करके मन निग्रह कीजिए, अच्छा है। लेकिन ये बच्चों का काम है, साधना में जो बचपना है, शुरुआत है, वहाँ का काम है, आगे का नहीं। आगे तो सारे विचारों को छोड़ करके आत्मलीन हो जाना है। तो सब लोग विदेश में रहते हैं और समझते हैं यही सब कुछ मेरा है, स्वदेश आत्मदेश है, और इस बात को लोग समझ जाएं, मारा मारी बंद हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। अपने जीवन का बंद करना, सबको समझा पाना तो असंभव है। अपने को समझाओ, अपने को बनाओ, अपने को ठीक करो। पूरी दुनिया में चाम बिछा करके राजे महाराजे नहीं चल सकते, लेकिन अपने पैर में चाम की जूती जो पहन ले, सारे संसार में चाम बिछाया है। अपने को समझो, सत्संग में केवल संकेत किया जाता है, सत्संग में पूरा काम नहीं बन जाएगा कि प्रवचन सुन लियो जीवन मुक्त हो गए। प्रवचन में निर्देश लेने देने के लिए बैठा जाता है, निर्देश ले दे करके स्वयं आगे बढ़ करके मनन चिंतन ध्यान सेवा साधना में लगना चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।